या बातमीचे प्रायोजक आहे हॉटेल शाही दरबार विजापूर रोड सोलापूर। प्रधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सोलापुर शहर के किड़वाई चौक परिसर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटाखों की आतिशबाजी हो रही है, ढोल ताशे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। लोक प्रधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सोलापुर शहर के किड़वाई चौक परिसर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पटाखों की आतिशबाजी हो रही है, ढोल ताशे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। जी हाँ, होना भी चाहिए क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी अपने गढ़ हैदराबाद को बचाने में कामयाब रह गए। जी हाँ, कई सालों से हैदराबाद तेलंगाना की 7 विधानसभा सीटों पर ओवैसी ब्रदर्स का कब्जा रहा है। आज हैदराबाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीटों पर जीत मिली है। उसी का जश्न, उसी की खुशियां यहां पर मनाई जा रही हैं। सोलापुर यमायन की ओर से यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। साजरा केलेला आहे तेलंगणा मधला विजयी जल्लोष इथं सोलापूरला साजरा केला आहे। तर भविष्यात सोलापूर आणि महाराष्ट्रात काय तुमची योजना असणार, एमआयएमची काय वाटचाल असणार? देखिए, भविष्य तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं तमाम लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आज रिजल्ट तेलंगाना में एमआईएम पार्टी के आए हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। महाराष्ट्र में अभी पिक्चर बाकी है और वो पिक्चर सुपर हिट होने वाली है। तेलंगणा मधला निकाल महाराष्ट्रात मध्ये काय हे फरक पडेल तेलंगणाचा निकालावर? नहीं देखिए, तेलंगणा का निकाल ही नहीं, पूरे जो आज 4 राज्यों के इलेक्शन थे उसका जो निकाल आया है वो चिंताजनक है। मैं ये समझूंगा कि चिंता का विषय है क्योंकि 4 में से 3 स्टेट में बीजेपी ने एक कंप्लीट स्वीप ऑफ की है, वन साइड सत्ता उनको मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस को जो सत्ता मिली है वो करीब करीब मतलब जो भी नज़दीक से मिली है उनको, इतनी थंपिंग विक्ट्री नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ हम लोग की भी यही मांग है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को रोका जाए जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग ये समझे और इसको चिंता का विषय समझे और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के मतदान करें। क्या वाटतं तुम्हाला, कारण 3 राज्यांमध्ये भाजपची सरकार आली आणि 1 राज्याला काँग्रेस दिले, त्याच्यामध्ये काय ईव्हीएम घोटाळा वगैरे असं वाटतं? नाही नाही, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक राज्य में कम से कम कांग्रेस की सत्ता बन गई, अदरवाइज ये ईवीएम घोटाले के ईवीएम के ऊपर इसका वो करते। मेरी यही मांग है स्टार्ट से कि जैसे कि लोग बोलते हैं एमआईएम कहीं इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है, मध्य प्रदेश में कहाँ एमआईएम थी, राजस्थान में कहाँ एमआईएम थी, छत्तीसगढ़ में कहाँ एमआईएम थी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस को एकदम करारी हार मिली है और बीजेपी जीत गई है। सिर्फ और वही राज्य में जहाँ पर एमआईएम ने अपनी ताकत से लड़ी वहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। तो ये कांग्रेस को चिंता करना चाहिए कि और उनकी जो हार की वजह है ये नहीं कि ईवीएम पर कभी ठीकरा फोड़ दिए, कभी एमआईएम के लोगों पर ठीकरा फोड़ दिए, इसके बजाय ये लोग चिंता करें कि हम लोग उनके हारने की वजह क्या है उसका एनालाइज करें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में शायद उनकी जीत। सोलापुर एमआईएम कैसे वाटचाल करना होता, कारण तेलंगणाचा एक लिटमस टेस्ट समोर आलेला आहे, तर सोलापुर कशी तुमची मोर्चेबांधणी असणार, ताकत कशी लावणार? सोलापुर में एमआईएम ब्रेक फेल हो गई है, अब किसी के रुकाए से रुकने वाली नहीं है और आने वाले 2024 का रिजल्ट मैं आज ही आपको बताता हूँ, अगर इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो
तो सोलापुर में एमआईएम का खाता खुलेगा सर। तेलंगाना गई थी 4 दिन, उधर हर प्रचार में हर टाइम पर ऐसा लग रहा था कि एमआईएम ही चाहने वाली है, चाहे कौन कुछ भी करें दे, जहाँ हमारा पर्चा है इंशाल्लाह वह जरूर रहेगा। हर एमआईएम पार्टी बंदे, हर एमआईएम पार्टी का बंदा शेर है, बस जीतने की देर। लेकिन एमआईएम पार्टी ने आप प्रचार में क्या प्रमुख कामकाज रखे, क्या मुद्दे रखे? वह हर एक काम चालू है, ऐसा नहीं बोलकर नहीं कि ऐसा जीतना चाहिए, जीतने के बाद ही हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। उधर कांग्रेस के लोग आकर अगर वोट मांग रहे तो उधर उनको उधर से हकाल रहे थे, ये हमारे सामने की बात है। बीजेपी के लोग आ रहे थे तो उनको उधर से हकाल रहे थे, क्योंकि उधर की एमआईएम पार्टी को कोई भी नहीं हिला सकता, और इंशाल्लाह सोलापुर में भी ये हाल हुई। कितने उम्मीदवार ठहरे थे और कितने उम्मीदवार जीत? 9 उम्मीदवार ठहरे थे, उसमें से 7 उम्मीदवार जीत कर आए। पार्टीसाठी एका चांगल्या हॉटेलच्या शोधात आहात? फॅमिली सोबत जेवण करायचे आहे, मित्रांचा वाढदिवस साजरा करायचा आहे, तर मग चिंता कशाला। सोलापुरात आता नव्याने आपल्या सेवेत सुरू झाले आहे हॉटेल शाही दरबार। शहरापासून जवळच स्वच्छ, सुंदर आणि शांत वातावरणात मित्र, नातेवाईक व परिवारासोबत घ्या आता जेवणाचा भरपूर आस्वाद, तोही फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्ये। अरेबियन फूड्स सह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद येथील जेवणाची चवही आता मिळणार हॉटेल शाही दरबार मध्ये। व्हेज व नॉन व्हेज सह विविध प्रकारचे लज्जतदार डिशेस आता फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्ये। उत्तम क्वालिटी, लज्जतदार, स्वादिष्ट व आपल्या बजेट मध्ये जेवणाची उत्तम सोय फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्ये। ग्राहकांच्या सेवेत सुरू झाले आहे। आमचा पत्ता SRPF कॅम्प पेट्रोल पंप शेजारी सोलापूर।